बरेली इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष फरहत खान व नगर अध्यक्ष मखदूम बेग ने सिविल लाइन स्थित जिला कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आईएमसी 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सक्रिय रूप से बरेली और मुरादाबाद मंडल में संगठन को विस्तार दे रही है। उन्होंने कहा कि बरेली और मुरादाबाद मंडल में जिला स्तर से बूथ स्तर तक आईएमसी का संगठन तैयार कर रहे हैं, जो लगभग 2 माह में तैयार हो जाएगा। जिला अध्यक्ष फरहत खान ने कहा कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों को लगाम लगाने के उद्देश्य सभी प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा को छोड़कर मांग की है कि जो सेकुलर दल अपने चुनावी एजेंडे में दंगा आयोग का गठन करके दंगे के दोषियों को सजा दिलाकर सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाने का काम करेगा, आईएमसी उसी के साथ गठबंधन करके चुनाव में जाएगी। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम फरहत खान है। आईएमसी में आप अभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जी, तो हम ये जानना चाहते हैं पिछले काफ़ी वर्षों से आईएमसी जो थी निष्क्रिय थी, चुनाव के टाइम पर ही ये संगठन बनाना और सक्रिय होना क्या वजह है? देखिए साहब, ऐसा है ना, जब बकरा ईद आती है तभी कुर्बानी होती है, मुहर्रम में थोड़ी कुर्बानी हो जाएगी। अब चुनाव आए हैं तो हर पार्टी सक्रिय हो रही है, हमारी पार्टी भी सक्रिय हो रही है। नहीं, और जो राजनीतिक दल है वो तो कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं पब्लिक। नहीं तो हमारे यहाँ भी आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा काम करते हैं, हमेशा हर मामले में आगे रहते हैं। अच्छा, ये बताइए जी, आप चूंकि चुनाव अनकरीब है जी, 6 महीने चुनाव बाकी जी, आप भी सक्रिय हुए जी, तो चुनाव में किस तरीके से आपका जाने की तैयारी है? क्या अलायंस करेंगे या आईएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए साहब, ये तो सब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब मौलाना तौकीर रजा खां, जो आईएमसी के प्रमुख हैं, ये फैसला तो उनको लेना है। हमें तो फिलहाल अभी कल परसों में ही हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया है, ये फैसले तो सारे उनके हाथ में हैं, हमारे जो प्रमुख हैं। हमें तो जिले का अध्यक्ष बनाया है, तो हम तो जिले की सारी कमेटियाँ बूथ स्तर की सब ये चीज़ें बनाने की जिम्मेदारी दी है, और जब परसों से ही हमारे प्रोग्राम लगना शुरू हो गए। अच्छा, ये बबताइए, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके अंडर में 9 सीटें जी विधानसभा की जी जाएंगी जी, तो कितनी सीटों पर आप आईएमसी के कैंडिडेट उतारेंगे? नहीं देखिए, अगर हमारा मान लीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी से समझौता होता है, किस तरह का होता है वो तो बात की बात है, और नहीं होता है तो हम मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल ये सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं जी, सब पर आईएमसी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुस्लिम बाहुल क्या है, हमारे ये यादव जी बैठे हुए हैं हमारे साहब, हमारे साथ में हिंदू भाई भी हमारे साथ में, सरदार भाई भी हमारे साथ में, हमारी पार्टी से सरदार जी भी चुनाव लड़े थे बरेली से। अच्छा, ये बताइए जी, आईएमसी अगर किसी से समझौता करती है जी, तो किन मुद्दों पर समझौता? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ही मुद्दा है जी, दंगा आयोग बनाना। दंगा आयोग की मांग जो मानेगा जी, आईएमसी उसके साथ अलायंस में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम दंगा आयोग बनाएंगे तो क्या आईएमसी साथ जाएगी? नहीं नहीं, बीजेपी से तो कोई मामला ही नहीं है, बीजेपी से तो कोई मसला ही नहीं है हमारा समर्थन का, बीजेपी से तो हमारी पार्टी का कोई मसला ही नहीं। अगर वो कहते हैं एक्स वाई जेड जी जी कि ठीक है आपकी डिमांड, वो तो उन्होंने तो कोई बात मानी, वो अगर कह भी देंगे तब भी हम उनकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, ना कोई हिंदू भाई ना कोई मुसलमान भाई, उनकी बात पे विश्वास खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया उनकी बात का, क्योंकि उन्होंने कौन कौन से वादे करे थे, कौन कौन जुमलों की सरकार थी, वो 15 लाख अभी तक खाते में नहीं आए, समझ गए, नहीं पूरा सब कुछ बेच दिया, डीजल पेट्रोल क्या हो गया, गैस कहाँ हो गई, सब देश को बर्बाद कर दिया, उनसे समझौता करने की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, ये बताइए जी, जी क्या आपने अपनी डिमांड कौन कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दी है? हमने अपनी डिमांड किसी से नहीं भेजी है, समाजवादी पार्टी के अमित जामई जी राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे जी, हमारे आईएमसी के प्रमुख से मुलाकात करी थी उन्होंने जी, जी। और अब ये बड़े ऊंचे स्तर की बात है, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस चीज का तो जवाब देंगे, वो हम तो एक छोटे से सिपाही हैं, जिले की कमान दी गई है, हम तो जिले में बूथ स्तर की कमेटी बना रहे हैं, और जो जो जहां जहां कोई कमी थी उसको पूरा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये
अगर किसी वजह से आपके गंगा आयोग की मांग सो का सेकुलर दल नहीं मानते हैं, हाँ, उस पोजीशन में आईएमसी का क्या स्टैंड रहेगा? 40 दल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि 40 दल मिलकर के तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और उसके साथ लड़ेंगे चुनाव। संभावना ये है जी कि भाजपा सपा बसपा से अगर बात नहीं बनती है तो आप अलग मोर्चा बनाकर चुनाव में जाएंगे? अलग मोर्चा बना के बिल्कुल जाएंगे। तो 40 दल कौन कौन से हैं? अब इसमें जो है देखिए, एक हमारे सांसद हैं पूर्वांचल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, सबके नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये 40 दल हैं इसमें। जी आपका नाम? जी मिर्ज़ा मखदूम बेग। ये बताइए बेग साहब, आप को अभी आईएमसी की शहर की जिम्मेदारी दी गई जी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं शहर और कैंट विधानसभा जी, आदि कैंट विधानसभा और शहर विधानसभा ये आपके कार्य क्षेत्र में आती है जी, तो यहाँ पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा बूथ वाइज कमेटी बनाने की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, लोगों के काम ईमानदारी के साथ करने के लिए मुझे ऊपर से आदेश दिए गए हैं। हजरत मौलाना तौकीर मियां साहब हमारे राष्ट्रीय प्रमुख जो हैं, उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए और बूथ स्तर की कमेटी बनाने के लिए, एक मजबूत कमेटी बनाने के लिए महानगर की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जिसका मैंने काम पहले ही दिन से अपना शुरू कर दिया है और इसका शहर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग मेरे पास खुद आके जुड़ने के लिए तैयार हैं, बराबर हर एरिए से, हर क्षेत्र से लोग मेरे पास मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और बराबर मेरे पास जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बराबर उनसे मुलाकातें कर रहा हूं। चलिए बताइए कि अगर जैसे कि आपके मुद्दों पर अलायंस है, अगर मुद्दों पर अलायंस नहीं होता है तो शहर विधानसभा से क्या आप प्रत्याशी होंगे? नहीं, ये तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं, ये तो उनका जैसा आदेश होगा हम उसी को फॉलो करेंगे और जैसा भी उनका ऊपर से हमारे लिए आदेश होगा, वो जैसा भी हमें आदेश करेंगे हम उसको जो है फॉलो करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब तक कितने लोगों के आपके समक्ष आवेदन आ चुके हैं? लगभग कमेटी मेरी 2-3 दिन में पूरी तैयार हो ही जाएगी, लगभग सब जो मेन कमेटी है नगर महानगर की और बाकी वार्ड अध्यक्ष वगैरह मेरे जो हैं, बराबर कार्रवाई चल रही है मेरी। अभी तो परसों ही बने और अभी तो 2 ही दिन हुए मुझे जिम्मेदारी मिले हुए और उम्मीद ये है कि 10-15 दिन में मैं अपने जो मुझे टीम बनाना है, मेरी इतनी तेज़ी से मेरी टीम काम कर रही है कि बहुत जल्द मेरे तमाम वार्ड अध्यक्ष वगैरह और वार्डों में टीमें वगैरह और बूथ स्तर की जो मेरे टीम है वो तैयार कर लूँगा मैं बहुत जल्दी।